अरे भाई ये तो कमाल हो गया छेदी, ये गेंदा नारायण शर्मिंदा काहे हो गया भाई? का नहीं काहे शर्मिंदा, समझ में नहीं आ रहा है, नीता जी शर्मिंदा हो गए। अरे राम राम कछुआ चाचा। अरे राम राम जी, भीड़ काहे लगी है? अरे वो का के? अरे बहुत बड़ा कांड हो गया है, हमारे नेताजी गेंदा नारायण जो है उनको शर्म आ गई है। नेता और शर्मिंदा? अरे काहे रेत में धान उगा रहे हैं भाई, नेता कभी शर्मिंदा होता है क्या? होता है ना, कभी कभी शर्मिंदा भी हो जाता है, हमने तो आज तक नहीं देखा। अरे नल में पानी नहीं आता तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? खंबे लगे हैं उनमें बिजली नहीं आई तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? आतंकवादी घर में घुस के डिस्को करते रहे तो क्या नेता शर्मिंदा हुआ? हुआ था, एक नेता शर्मिंदा भी हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री, जब वो रेल मंत्री थे और रेल का एक्सीडेंट हुआ तो वो नेता शर्मिंदा भी हुआ और इस्तीफा भी दे दिया। और आजकल तो जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जाता है। वो तो कोई चाल लगती है नेताजी, कसम से हमका तो लगता है कलयुग आ गया है। राम राम भैया, समझ लो सृष्टि का अंत आ गया है भैया। हैजा फैलेगा, तरह तरह की बीमारियां आएंगी। राम परलय आएगी, कुछ नहीं बचेगा। अरे हवन और यज्ञ करवा, नेताजी शर्मिंदा हो गए हैं। अरे बिना शर्मिंदा हुए कम हैरान किए थे नेताजी, जो शर्मिंदा हो गए। अरे भैया आपको क्या लगता है नेताजी शर्मिंदा क्यों हुए हैं? उत्ती लाल तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारे पास एम्प्टी टाइम नहीं फालतू बातों के लिए, यार तुम जलेबी बनाओ यार, एक तो जो समोसे में नमक कम डला है ताने। भैया सुरीली भाभी स्कूल जा रही है। उत्ती लाल तुम जलेबी बनाओ, हम सुरीली भाभी अब सुरीली को जो है स्कूल तक छोड़ के आते, पकड़ो। इसे कहते हैं लव। भैया रोज सुरीली भाभी को छोड़ने स्कूल जाते हैं और लेने जाते हैं। हाँ ये अलग बात है कि भाभी को आज तक मालूम नहीं पड़ा। अरे भैया नेताजी शर्मिंदा क्यों हुए हैं? अरे यार तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे पूछ रहे हो सूरज पूरब से क्यों निकलता है। कोई नेता पहली बार शर्मिंदा हुआ है इस पे तो सबसे पहले रिसर्च होगा, तब पता चलेगा। दाढ़ी बनाओ, ठीक से बनाना, मूंछ मत काट देना, नहीं तो हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। ए जी। ओ जी। जी नेता शर्मिंदा होके कैसे लगते हैं? अब कभी देखा नहीं है ना तो मालूम नहीं है। फिर भी हमारी तरह लगते हैं का? अरे नहीं भाई, ये बड़े लोगों का शर्मिंदा होने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब तुम्हारी तरह थोड़ी कि लौकी तरह मुंह लटकाए लिया। ए जी सुनते हो, नाराज तो नहीं होंगे? नहीं। पक्का? पक्का। खाओ हमारी अम्मा कसम। अरे आप पूछोगी भी? पता था हमका तुम नाराज जरूर होंगे। अब ऐसे फालतू के सवाल पूछोगे तो नाराज नहीं होंगे का? बताओ क्या बात है? हमको ना शर्मिंदा नेता देखने जाना है। पगला गई हो क्या? अरे कुछ सर्कस है जो देखना है? अरे सर्कस तो आता जाता रहता है, लेकिन नेता पहली बार शर्मिंदा हो रहा है, पता नहीं इस जन्म में आगे हो ना हो, हमको शर्मिंदा नेता देखने ले चलो ना। तुम अपने दिमाग का इलाज करवाओ। ठीक है पगला गए हम, मत ले जाओ। कभी सिनेमा बोलो तो नहीं ले जाते, कभी मेला बोलो तो नहीं ले जाते, अब शर्मिंदा नेता भी। अरे तुमसे तो अच्छा वो सजनपुर वाला था। अरे तो उसी से काहे नहीं कर ली शादी? ये बात ठीक है हम चल रहे हैं। अरे कहाँ जा रही हो? ले चलेंगे निकल। कब? अब बताते हैं, बाहर जाके देखते हैं। तो जाइए ना। तो खाना नहीं खाए क्या? तो खाइए ना। अरे हम लोगों को ना नेताजी का हाल चाल पूछने के लिए नेताजी के घर जाना चाहिए। कहाँ है? अरे जाते हैं ना हाल चाल पूछने, जब कोई परेशान हो जाता है, जब कोई शर्मिंदा हो जाता है तो हाल चाल पूछने जाते हैं। लो कर लो बात, हम इतने सालों से परेशान हैं, हमारे हाल चाल पूछने के लिए कोई नहीं आया। अब कुछ लोगों का हाल चाल नहीं भी पूछते हैं, लेकिन हम लोगों को नेताजी का हाल जरूर पूछने जाना चाहिए, वो हमारे बाप है। पगलाए गए हो क्या कछुआ? अब नेताजी हमारे बाप कैसे हुए? कहे कहते नहीं है कि नेता लोग माई बाप होते हैं, तो नेती हमारी माई हुई तो नेता हमारा बाप हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर चलिए अपने बाप के घर। अरे इंदुमती को भी साथ ले लेगा? अरे ले लीजिए ना। ए इंदू,
इंदुमती। हाँ मौसी। अरे चलो। कहाँ? बाप के यहाँ। बाप के यहाँ? मतलब नेताजी का घर। चलो नेताजी के यहाँ, अभी आए। अरे भाई चलिए आप लोग, सब लोग नेताजी। आओ भैया, आओ सब लोग, चलिए। आए भूपती बाबू। अरे मिश्री आओ, आओ चलो। सॉरी, नेताजी जब शर्मिंदा होते हैं तब वो किसी से नहीं मिलते हैं। नेताजी जब शर्मिंदा होते हैं तो उनकी एक आंख भड़कने लगती है, तो लोग समझते हैं कि वो आंख मार रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हम उनकी शर्मिंदगी पे शक नहीं करेंगे। ओ भैया जी, मिलने दो ना। एक काम करते हैं, जाने दो इन्हें, यहाँ रहेंगे तो ये हमारा दिमाग चाटेंगे। जाइए जाइए। Enter at your own risk. कह रहे हैं राजी खुशी चलो, खुशी खुशी चलो चलो। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। रुकिए, आराम से अंदर आइए। नेताजी कहाँ हैं? वो देखिए कोने में। चल चल चल। और ज्यादा सवाल मत करिएगा और थोड़ा दिल बहलाइए इनका। शर्मिंदगी दूर हो तो देश की सेवा में लगे। हाँ, ओके? हाय दया, नेताजी बिल्कुल उबले हुए अंडे की तरह लग रहे हैं मौसी। हाँ, मुझे तो उबला हुआ आलू लग रहे हैं। चुप चुप, क्या है? नेताजी, नेताजी, आप लोग कौन? हम जनता हैं, पब्लिक। सुने हैं आप शर्मिंदा हो गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को भी खबर लग गई? और किस किस को पता चल गया? अरे अभी अमेरिका वालों का फोन आया था। लेकिन आप किस बात से शर्मिंदा हैं? किस बात पे शर्मिंदा है? आज तारीख कितनी है जी? 6 अक्टूबर। अच्छा, अक्टूबर का महीना चल रहा है ना? अभी अभी तो गांधी जी का सब कुछ हुआ है, इसीलिए शर्मिंदा है। अरे नहीं भाई, तो उस दिन तो नेशनल हॉलीडे होता है और छुट्टी के दिन हम थोड़ी शर्मिंदा होते हैं। हम तो गाजियाबाद पे शर्मिंदा है। गाजियाबाद पे? गाजियाबाद पे का है, वहाँ तो कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, इसीलिए शर्मिंदा है। नहीं नहीं, हम गाजियाबाद पे नहीं, नहीं, हम तो धनबाद पे शर्मिंदा है। नहीं, धनबाद नहीं, औरंगाबाद, इलाहाबाद पे, इलाहाबाद, इलाहाबाद। नहीं, किसी ना किसी बात पे तो हम शर्मिंदा हैं, लेकिन अब याददाश्त हमारी कमजोर हो गई, याद नहीं रहता है किस बात पे शर्मिंदा है। हाँ, इतना काम रहता है ना आपको, है? फिर भी शर्मिंदा होने के लिए आप समय निकाल लेते हैं ना? अब काम तो रहता ही है, लेकिन फिर भी 1-2 घंटे का टाइम निकाल करके शर्मिंदा हो ही लेते हैं। विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इस विषय में शर्मिंदा हुए कि नहीं? हाँ, कई बार जब शर्मिंदा होने के लिए कोई विषय नहीं होता है तो विदर्भ भी हम शर्मिंदा हो लेते हैं, लेकिन समस्या ये है कि एक ही मामले में कितनी बार शर्मिंदा हूँ, आखिरकार बोर हो जाते हैं ना। सही बात है। हाँ हाँ, हमारा देश इतना विशाल देश है, यहाँ पर समस्याएं इतनी अधिक है, कई बार तो एक ही दिन में 3-3, 4-4 मामले ऐसे हो जाते हैं कि शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन आपके इतने सारे विभाग हैं, उनमें चमचे और मंत्री भी तो हैं शर्मिंदा होने के लिए। अरे कहाँ, कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, सबके सब सिफारसी लाल हैं। अभी पिछले दिनों देश में आतंकवादी घुस आए थे, घुसे थे ना, तब गृह मंत्रालय ने रक्षा मंत्रालय पे अपनी जिम्मेदारी डाल दी, रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार पे जिम्मेदारी डाल दी। कोई भी शर्मिंदा होने के लिए तैयार ही नहीं, अब सबकी शर्मिंदगी अकेले छीननी पड़ती है, इसीलिए शर्मिंदा है। ऐसे तो ये वो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो जिसमें आंखें बंद हो जाती हैं। अच्छा अच्छा, हम सो जाएंगे। नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं, आंखें बंद हो जाती है और
ये औरत क्या कर रही, क्या कर रही है औरत? मरने का एक्टिंग। इतना शर्मिंदा होंगे तो मर जाएंगे ना। नहीं नहीं, वो है क्या कि आप इतना काम करते हैं तो उस पर से शर्मिंदा भी हो लेते हैं, तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। हाँ, मतलब स्वास्थ्य खराब। अरे हमने देश के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है और तुम स्वास्थ्य की बात कर रहे हो? जी, आप बहुत बड़े नेता हैं ना, अब हर बात पे शर्मिंदा तो हो नहीं सकते हैं, शर्मिंदा होने की कोई सीमा तो होगी ना आपकी। लेकिन ये राजनीति धंधा ही ऐसा है कि कई बार पार्टी स्टैंड लेती है कि शर्मिंदा होना है तो फिर शर्मिंदा आप हो जाते हैं, होना पड़ता है। लेकिन आपको ज्यादा ही शर्मिंदा नहीं हो रहे हैं? आप कृषि मंत्री भी नहीं है, फिर भी आपने 15 अगस्त के दिन कहा था कि बड़े शर्म की बात है कि हमें अनाज विदेशों से मंगाना पड़ रहा है। हाँ हाँ, शर्म शर्म में भी तो फर्क होता है ना। कैसे कैसे? देखो, आप लोग चाय पियेंगे? हाँ, चाय पियेंगे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें नेता जनता को शर्मिंदा करता है, जनता को शर्मिंदा करने की कोशिश करता है। अब मान लो जनता ने ज्यादा अनाज पैदा नहीं किया है तो शर्मिंदा तो होना ही पड़ता है कि नहीं? हाँ। और कभी कभी जनता और नेता दोनों को शर्मिंदा होना पड़ता है। कैसे? बापू के आदर्शों पे देश नहीं चल रहा है तो जनता कहती है इसमें नेता को शर्म आनी चाहिए और नेता कहते हैं कि इसमें जनता को शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से पूरा देश शर्मिंदा हो जाता है कि नहीं? आखिरकार देश क्या है? क्या है? देश, जनता और नेता, इन दोनों से मिलकर के बनता है देश। वाह, कुछ नेता के विचार कितने महान होते हैं। और सच में पूछो, अगर गहराई में जा करके, जनता क्या होती है? क्या? जनता कुछ नहीं होती है, जो होता है नेता होता है। मतलब सही मायने में देखा जाए तो नेता ही देश होता है। कुछ नेता के विचार बड़े टुच्चे होते हैं। टुच्चे होते हैं? टुच्चे? अरे चुप रहो। नेता को जब शर्म आती है तो देश का माथा भी शर्म से झुक जाता है, है ना? अब रोज रोज शर्मिंदा होके और देश का माथा शर्म से झुकाने के बजाय आप सप्ताह में शर्मिंदा होने की एक तिथि निश्चित कर लीजिए। उसी दिन राज्य पार्टी आपस के झगड़े वगड़े सब शर्मिंदा होके निपटा दीजिए। अब जैसे रविवार मनाते हैं वैसे शर्मवार भी मना लेंगे। पहले मैं ऐसे ही करता था, रविवार के रविवार ही शर्मिंदा होता था, है ना? लेकिन रविवार का दिन ठहरा छुट्टी का दिन। अब छुट्टी के दिन भी देश के लिए शर्मिंदा हो भाई, छुट्टी के दिन रिश्ते नातेदार घर पे आते हैं, है ना? एक दिन तो परिवार के लिए मिलना चाहिए। आखिरकार मैं परिवार के लिए कब शर्मिंदा हूँ मैं? हाय दैया, आप परिवार के लिए भी शर्मिंदा होते हैं का? अरे कुछ लोग परिवार पर शर्मिंदा हो भी जाते हैं ना। देखो, मैं उन टुच्चे नेताओं जैसा नहीं हूँ। मैं जितना शर्मिंदा होता हूँ, देश में कोई भी दूसरा नेता इतना शर्मिंदा नहीं हो सकता है। कुछ नेता लोग शर्मिंदा नहीं भी होते हैं। अरे उन टुच्चे नेताओं से आपकी क्या बराबरी? आप तो शर्म में डूब मरते हैं, वो तो चिंता तक नहीं करते। कितने शर्म की बात है। आपका नाम क्या है? मुकुंदलाल गुप्ता। अच्छा अच्छा, आपको कभी भी कोई भी काम हो सीधा मेरे घर पे आ जाना, है ना? आपका पूरा काम करवा दूंगा। जी वो तो ठीक है, लेकिन पहले शर्मिंदा होके आप तो कुछ काम कीजिए। अब शर्मिंदा होने से फुर्सत मिले तो कुछ करें ना। यहाँ पर शर्मिंदा होने के लिए ही इतने विषय हैं कि अरे हम शर्मिंदगी बांट लेते हैं। अनाज कम होने पर हम शर्मिंदा हो लेते हैं, बिजली पानी पे शर्मिंदा होकर आप कुछ करें, दंगे पे हम लोग शर्मिंदा हो लेते हैं, और कानून व्यवस्था पे आप लोग शर्मिंदा होकर कुछ कीजिए, बेरोजगारी पर हम शर्मिंदा हो जाते हैं, शिक्षा के प्रचार प्रसार पे शर्मिंदा होकर आप कुछ करें। हाँ, देश के हालात पे हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, और देश को इस हालात में लाने के लिए आप लोग शर्मिंदा हो जाइए। अरे कुछ करिए, कदम बढ़ाइए, निर्णय लीजिए। अरे आपके स्वास्थ्य की हम लोगों को बहुत चिंता है, आपको कुछ हो गया तो शर्मिंदा कौन होगा? हम। अरे अरे, इनको कुछ हो गया है, पकड़ो। अरे कहीं दौरा तो नहीं पड़ गया? नहीं, इस शरीर ने इतने देश विदेश के दौरे किए हैं, एक दिल का दौरा भी सही। हमेशा नहीं
नहीं होने दे सकते हैं। आपकी देश में बहुत जरूरत है। हम शर्मिंदा हैं। हाँ साहब जी, आप हमारे वो क्या कहते हैं वो बाप है जी। हम शर्मिंदा हैं। आप हमारी उम्मीद है जी। हम शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, कुछ करना होगा। अरे हम शर्मिंदा तो हैं और क्या करें, देश में पार्टी में कहीं पर एकता नहीं है, इसके लिए हम शर्मिंदा। ये क्या किया आप लोगों ने? हम शर्मिंदा हैं। अब आप लोग यहाँ से निकलिए, चलिए खिसक जाइए यहाँ से। आप लोग एक नेता को डिस्टर्ब कर रहे हैं। बताया था ना कि ये इनके शर्मिंदा होने का वक्त है। अरे किसी को शांति से शर्मिंदा भी नहीं होने देते हैं। कमाल है। नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम लोगों के कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब था ना? हालत देखिए आपने इनकी। जी हम माफी चाहते हैं, हम बहुत शर्मिंदा हैं। क्या कहा आपने? जी हम बहुत शर्मिंदा हैं। नहीं नहीं, ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे। आप शर्मिंदा हैं? जी, 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 जी। तुम लोगों को भी शर्म आती है? हाँ। जब आप जैसे नेताओं को देखते हैं जिन्हें हम चुनते हैं तो बहुत शर्म आती है। जब डरी सहमी मजबूर जिंदगी जीते हैं तो शर्म आती है। बहुत कुछ है इस देश में लेकिन कुछ नहीं मिलता तो शर्म आती है। शर्म आनी चाहिए, आनी चाहिए शर्म। शर्म हर भारतवासी का गहना है, शर्म हमारा राष्ट्रीय गुण है। शर्मिंदा होना अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन आप जैसे नेताओं को शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके और कामों की तरह आपका ये काम भी हम कर लेंगे। हम शर्मिंदा हैं। अब जाकर के थोड़ी सी शर्म उतरी है। हॉस्पिटल में कमरा बुक है। जब भी आप शर्मिंदा होते हैं सीधे वहीं तो जाते हैं। चलिए बुक है। इतना टेंशन होता है कि जी। ओ जी। हम सोच रहे थे नेताजी को शर्मिंदा करके हमने अच्छा नहीं किया। एक तो पहले से इतनी शर्मिंदगी, ऊपर से पानी राशन बिजली को लेकर और भी शर्मिंदा कर दिया। संतोषी माता हमें माफ नहीं करेगी। ए जी। ओ जी। मुंह से फूटो तो सही। तुम फूटना बंद करो तो फूटे ना। देखिए जी, हमारा दिल ना धकधकाए रहा है। बेचारे नेताजी कैसे मासूम खरगोश की तरह थे, उनको मिर्गी का दौरा हमारी वजह से ही पड़ा है। अरे मिर्गी का नहीं, दिल का दौरा पड़ा है। हाँ? तुम मुर्गी की तरह काय फड़फड़ा रहे थे। देखिए जी, हमारा दिल खलबला रहा है, कहीं मर मुरा तो नहीं गए? अरे वो नेता है, कोई आम आदमी नहीं है कि हल्का सा दिल का दौरा पड़ा और टैं बोल गए। नहीं नहीं, हमारे मामा जी को एक दिन दिल का दौरा पड़ा था। पहले फड़फड़ाए, फिर धकधकाए, फिर लबलबा गए। अरे दिल के दौरे का मतलब विदेश यात्रा। उन्हें दौरे की आदत होती है। बाढ़ आई तो दौरा, नहीं आई तो दौरा, आतंकवादी आए तो दौरा, उन्हें छोड़ने जाओ तो दौरा, कभी यहाँ का दौरा कभी वहाँ का दौरा, कि ये दौरा किया तो क्यों किया, वो दौरा किया तो क्यों नहीं किया, वो दौरा क्या था ये जानने के लिए दौरा, दौरे पे दौरा, दौरे पे दौरा। क्या हुआ? हमको दौरा पड़ गया। बाप बेटा, आम इंसान हो के शौक नेताओं वाले। पंखा दीजिए पंखा। इंदुमती एक बात बताए, कितने ही दौरे हो, हाथ बदलते हैं हालात नहीं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।